वो दलित और पिछड़े वर्ग के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाने वाली नेता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल की, जिन्होंने कल सपा ज्वाइन की है। आज वो मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानूंगा और सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं सपा ज्वाइन करने के लिए। राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और खबर एक्सपर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आपको कवर करने के लिए। राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किन चीज़ों को लेकर आपने सपा ज्वाइन की, ऐसी क्या चीज़ आपको लगी कि सपा हमें ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले आप बसपा में थे, बसपा आपने छोड़ी और आपने अब सपा ज्वाइन की। चीज़ों को लेकर कभी नहीं पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, स्वागत करता हूँ माननीय प्रोफेसर साहब को, और श्रद्धेय नेताजी से मैं बहुत बड़ा प्रभावित था, तो किसानों के, दलितों के और ओबीसी के और जनरल सभी के नेता, जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष करके अपने आप में स्थापित किया, पार्टी स्थापित की। मैं बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से पुनः देना चाहूँगा, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष में ये दिखाया ताकत के कि कोई एक अपने आप में निखार पैदा होता है। उन्होंने निखार करके वो देश प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक नाम रोशन किया है, इसलिए उनसे मैंने कुछ बहुत कुछ सीखा श्रद्धेय नेताजी से, और उनके आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बड़ा संघर्ष किया है। आज यद पूरे देश में कह सकते हैं, पूरे प्रदेश में कह सकते हैं, रोड पर संघर्ष करने वालों में से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। उनके उन सोच को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, वो हर वर्ग के साथ हैं। पीडीए की आपने देखा होगा, पीडीए का नाम उन्होंने दिया, चाहे पिछड़ा है, दलित हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, सभी के लिए काम करने वाले ऐसे नेता की उनकी सोच को हम धन्यवाद देते हैं। उसी सोच के साथ, उस उनके संघर्ष के साथ में साथ कदम मिलाते हुए मैंने सोचा और मैंने इसीलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन करने के बाद आपकी आगे की कार्यशैली क्या रहेगी, किस तरीके से आप समाजवादी पार्टी को आगरा के अंदर या और जगह आपको पसंद करेंगे? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे आगरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरलगा बराबर में फैजाबाद हो, चाहे बराबर में मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, अन्य पूरे 75 जिलों की मैं बात करता हूँ, पाल बघेल धनगर समाज के लोग काफ़ी बहुतात में, पर लेकिन पार्टी के नेता के नाते मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरी पार्टी के जो नेता हैं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, निश्चित ही उसी मिशन में साथ एक एक कदम पर साथ देते हुए उनके साथ मैं काम करूँगा और संगठन में काम करके पार्टी को मजबूती दूँगा। निश्चित ही यदि पार्टी और पार्टी संगठन का जो निर्णय होता है मुझे सर्वोपरि रहेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक, राज्यसभा की भी वोटिंग हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देखी थी कि मनोज जी हैं, मनोज पांडे जी हैं, रायबरेली के ऊर्जा हाथ के विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया सपा से। कई सारे ऐसे भी विधायक हैं जो सपा से इस्तीफा दे रहे हैं और ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो ऐसा ये भगदड़ क्यों मच रही है सपा पार्टी? देखो जी, चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आना जाना बना रहता है। अब बात करें तो समाजवादी पार्टी की, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं बसपा का विधानसभा का चुनाव लड़ा, आना जाना, मैंने समाजवादी पार्टी अभी ज्वाइन किया है, तो ऐसा नहीं है। चुनाव जैसे ही आते हैं, जिसकी क्या सोच रहती है, पार्टी के प्रति कितनी सच्चाई के साथ लगन रहती है, वो आना जाना लोकसभा में विधानसभा में बना रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर निश्चित ही मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले समय में ये दिखा देगी कि समाजवादी पार्टी एक अपने आप में वर्चस्व रखती है और 2024 में हम लोग और जीतेंगे, निश्चित ही। एक बड़ा सूत्रों के हवाले से खबर भी मेरे पास ये आ रही है कि एक बड़े मंत्री के सामने आप शायद चेहरा हो सकते हैं चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, इतना सही मानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद जी। यदि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया, संगठन ने आदेश दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, पर लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो मेरे लिए सबसे पहले सर्वोपरि होगा। धन्यवाद। अभी कल विधायक दल की जो बैठक थी राज्यसभा चुनाव के लिए, आप वहाँ पर पहुँचे मिले हैं, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है आगे के लिए? मैंने अभी बताया ना कि वो कल विधायक दल की बैठक थी, सभी विधायक मौजूद थे। अभी आपने कहा कि जैसे वो निकल के जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता, कल मैंने देखा तो एक एक विधायक सभी लोग उपस्थित थे, सभी विधायक उपस्थित थे और सांसद भी उपस्थित थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, माननीय चाचा जी थे, माननीय प्रोफेसर साहब भी थे, सभी लोग उपस्थित थे।
निश्चित ही यद पार्टी के आला कमान मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे यह पार्टी में जिम्मेदारी देंगे, बखूबी से उसको जिम्मेदारी को निभाऊंगा और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में पार्टी और संगठन के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आप दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर वर्ग के लिए आप काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, देखा भी गया है कि अभी जो मुड़ी चौराहे पर जो घटना हुई उसमें भी आपने आवाज़ उठाई, पहले भी आप कई जगह आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इसका इसका कितना प्रभाव आपकी आगे की कार्यशैली पड़ेगा? मैं गौरव जी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे कार करने की जो एक्टिविटी है, मैं पिछली पार्टी में मुझे हो सकता है मैं लोग देख पाए होंगे, पर लेकिन मुझे लगता है समाजवाद की पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है और ये हर वर्ग के लिए खड़ी है। चाहे मैं दलित की बात करूँ, चाहे ओबीसी की बात करूँ, चाहे स्त्री की बात करूँ, चाहे वुमन की बात करूँ, हर वर्ग के लिए खड़ी है। जिस तरीके से मेरी कार्यशैली आपने देखा हो, चाहे नगरा बल्लू का कांड हो, चाहे मुड़ी चौराहे का कांड हो, चाहे अभी आपने रिसेंटली तमन्ना पटेल का कांड हो, चाहे बनारस में हो, चाहे शामली में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे सुल्तानपुर में, चाहे जालौन में हो, चाहे मथुरा कोसी का कांड हो, मैं बताना चाहता हूँ उस जहाँ पीड़ित है मेरा हर वर्ग का कोई व्यक्ति पीड़ित है, अपराधी कोई जाति का नहीं होता, अपराधी किसी भी जाति का नहीं होता, इसलिए मैं जहाँ वर्ग मेरा पीड़ित है मुझे दिखाई देता है वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। मैं निश्चित ही इस आवाज को बुलंद करता हूँ और पीड़ित के साथ खड़ा रहता हूँ। इसीलिए आप चैनल के माध्यम से मुझे संदेश देते हैं कि आप संघर्षशील हैं। धन्यवाद आपको। मैं जरूर ही इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए एक एक कदम पर समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा, उनके साथ रहूँगा, हर निर्णय के साथ रहूँगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आपको जिम्मेदारियाँ मिली, पहले आपको जिला परिषद अध्यक्ष है, बसपा से आपने चुनाव भी लड़ा, अब सपा ज्वाइन कर ली है, लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, सपा पार्टी को बीजेपी कह रही है कि हम 80 सीटें यहाँ पर जीतने वाले हैं, जिसे सपा जिस तरीके से अपना काम कर रही है, ये जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, अब उसको ये हर वर्ग के लिए आप काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, देखा भी गया है कि अभी जो मुड़ी चौराहे पर जो घटना हुई उसमें भी आपने आवाज़ उठाई, पहले भी आप कई जगह आवाज़ उठाते रहे हैं, तो इसका इसका कितना प्रभाव आपकी आगे की कार्यशैली पड़ेगा? मैं गौरव जी बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से मेरे कार करने की जो एक्टिविटी है, मैं पिछली पार्टी में मुझे हो सकता है मैं लोग देख पाए होंगे, पर लेकिन मुझे लगता है समाजवाद की पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है और ये हर वर्ग के लिए खड़ी है। चाहे मैं दलित की बात करूँ, चाहे ओबीसी की बात करूँ, चाहे स्त्री की बात करूँ, चाहे वुमन की बात करूँ, हर वर्ग के लिए खड़ी है। जिस तरीके से मेरी कार्यशैली आपने देखा हो, चाहे नगरा बल्लू का कांड हो, चाहे मुड़ी चौराहे का कांड हो, चाहे अभी आपने रिसेंटली तमन्ना पटेल का कांड हो, चाहे बनारस में हो, चाहे शामली में हो, चाहे आजमगढ़ में हो, चाहे सुल्तानपुर में हो, चाहे जालौन में हो, चाहे मथुरा कोसी का कांड हो, मैं बताना चाहता हूँ उस जहाँ पीड़ित है मेरा हर वर्ग का कोई व्यक्ति पीड़ित है, अपराधी कोई जाति का नहीं होता, अपराधी किसी भी जाति का नहीं होता, इसलिए मैं जहाँ वर्ग मेरा पीड़ित है मुझे दिखाई देता है वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। मैं निश्चित ही इस आवाज को बुलंद करता हूँ और पीड़ित के साथ खड़ा रहता हूँ। इसीलिए आप चैनल के माध्यम से मुझे संदेश देते हैं कि आप संघर्षशील हैं। धन्यवाद आपको। मैं जरूर ही इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए एक एक कदम पर समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा, उनके साथ रहूँगा, हर निर्णय के साथ रहूँगा। धन्यवाद। जिस तरीके से आपको जिम्मेदारियाँ मिली, पहले आपको जिला परिषद अध्यक्ष है, बसपा से आपने चुनाव भी लड़ा, अब सपा ज्वाइन कर ली है, लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, सपा पार्टी को बीजेपी कह रही है कि हम 80 सीटें यहाँ पर जीतने वाले हैं, जिसे सपा जिस तरीके से अपना काम कर रही है, ये जिस तरीके से उन्होंने बनाया है, अब उसको वो आगे लेकर चल रही है, तो कितना मानते हैं आप कि सपा इस बार फाइट बैक करेगी बीजेपी के साथ? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हर परिवार के लिए, हर परिवार का मुखिया यही चाहता है कि मेरे परिवार के व्यक्ति संपन्न हो और निश्चित ही 100% सफल हो। इसीलिए पार्टी के लोग भी अन्य अन्य लोग कहते हैं कि 80 होगा, अगर वहाँ 100% हो गया, पर लेकिन उनको इस बात पीटीए बता देगा कि 80 में 80 कैसे आती हैं, पहले भी नहीं कभी 80 आई, और लेकिन इस बार एक कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेने जा रहे हैं जो साथ, मैं बोला ना कि एक एक वर्ग के, हर वर्ग के साथ रहमानी राष्ट्रीय जी खड़े रहते हैं, उनका संघर्ष खड़ा रहता है, इसलिए हम बता देंगे कि हम 80 पे आते हैं कि वो 80 पे आते हैं। धन्यवाद। दो पार्टियों की बात करने में लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा और इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात करूँ तो सीट शेयरिंग भी यहाँ पर हो चुकी है एक तरीके से, यूपी की अगर बात करें समाजवादी पार्टी की वो भी हो चुकी है, तो आप दोनों में से कितने दोनों को मानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन विजयी होगा? मैं तो बोलना चाहूँगा यही
कि देखो समय बहुत नजदीक है और आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा, गरीब मजदूर किसान की जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, हम सबको साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। वो व्यक्ति रोड से रोड पर जो दिन रात 24 घंटे आप संघर्ष करना वाला व्यक्ति है, वो संघर्ष कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी तरह से हम लोग लोकसभा में भी सफल होंगे। आने वाले 2027 से, मैं आज से ही ऐलान करता हूँ, आने वाले 2027 के लिए भी पूरी पार्टी एकजुट होकर संघर्ष कर रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः 2027 में एक बार मुख्यमंत्री बनाने का हम सब लोग काम करेंगे। धन्यवाद। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि सपा के जो अभी कल मीटिंग हुई है उसमें 5 से 6 विधायक नजरअंदाज मिले हैं कि पहुँचे नहीं हैं, या कुछ भी कह लीजिए, वो एक बड़ी खबर अभी राज्यसभा में जो वोटिंग चल रही है उस पर एक बड़ा प्रभाव डालेगी। मैंने कल बताया ना आपको कि मैं जब राष्ट्रीय कार्यालय पर था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, प्रदेश साहब जी थे, माननीय चाचा जी भी थे, मुझे नहीं लगता मैंने विधायक जी को, हर विधायक से मैंने संपर्क किया, एक एक विधायक मेरे उपस्थित थे वहाँ पर, पार्टी के उपस्थित थे। मुझे नहीं लगता, अभी वोटिंग हो रही है तो शुरू लगभग कितना समय शुरू हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन जिस तरीके से आप जो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ से खबर आपके द्वारा मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारा एक भी विधायक कोई क्रॉस कर रहा है, हमारे साथ है और पीडीए के साथ है। धन्यवाद। अपने कार्यकर्ता जो आपके हैं, अब उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के नजदीक है, इसलिए क्या रणनीति है? मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने युवा साथियों को, अपने साथियों को, पार्टी के एक ही कार्यकर्ता को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं उन्हें आपको बधाई और धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। और सबसे यही निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, हमारी पार्टी संघर्ष करेगी, हम लोग संघर्ष करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ मजबूत करेंगे, सब मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश बघेल जी, जिन्होंने सपा ज्वाइन की है। मैं एक बार उन्हें फिर बधाई देता हूँ कि उन्होंने सपा ज्वाइन की है। खबर एक्सपर्ट चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करें। मेरे सहयोगी के साथ विराज सिंह।